गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग उठ गए हैं। मैं जा रही हूँ ससुराल, तो आज हम लोग कार से ही निकलेंगे। अभी जा रही हूँ फटाफट नहाने, फिर रेडी होने, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनल बाद रास्ते में वी आर ऑल सेट टू गो। सेट वेयर वी आर गोइंग? दिल्ली। Not yet. Hello guys. हम लोग जा रहे हैं ससुराल दादी घर, और मैं नहा ली हूँ, इसके पापा नहा लिए हैं। वाह, इसके पापा इतना स्वीट लग रहे हैं। और सार्थक अभी नॉइ नहीं किया बिकॉज ठंड थी, इसको थोड़ी कोल्ड भी है, इस वजह से हम लोगों ने इसको नहीं नहाया। तो मैं पहनी उसके ऊपर एक शर्ट डाली, शर्ट नहीं कोट टाइप से है। तो गाइस चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं हैप्पी जर्नी। तो यहाँ पे पतिदेव जी टाइम ले रहे हैं कि हम कितने देर में पहुँचते हैं, तो ये चीज़ें हम लोग हमेशा करते हैं कि इससे पता चलता है हमारे स्पेन हमारा। अब सॉन्ग यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है और आज हम लोग सुनने वाले हैं भोजपुरी सॉन्ग, बिकॉज भोजपुरी सॉन्ग की बात ही अलग है। आपको कौन सा पसंद है? नाच रे पत्थर की नागिन जाएगी सन। बट इसके वर्ड्स कितने हंसी आते हैं ना, बहुत है ना चाहते। और मैं बेबी को, मेरे बेबी के लिए मैंने टॉयज इधर रखा है और चॉकलेट, चॉकलेट भी छुपा छुपा, हाँ छुपा के रखी थी चॉकलेट मम्मा। तो ये आ गया जंगल वाला रास्ता। ये सब ट्रीज जो आपको दिख रही है ये सारे पाम ट्रीज है। आपको पहाड़ दिख रही है ये सब दार्जिलिंग की पहाड़ है, मेरे घर से दार्जिलिंग दूर नहीं है। क्या पतिदेव, अब तो तुम स्लीपिंग मोड में आ रही होगी। सही फकरे हैं। तो गाड़ी में बैठी आधे घंटे एंजॉय कर ली, इतना काफ़ी होता है मेरे लिए। अब मुझे आ रही है नींद, मैं चली डिनर रानी करने। सो टाटा गुड बाय, टाटा गुड बाय बोल दो। हाँ, पीछे सनराइज कितनी खूबसूरत लग रही है। और मैं जहाँ पे रुकूंगी ब्रेकफास्ट करने, तो आप लोगों से बातें करती हूँ वहाँ पे और अपनी जर्नी शेयर करती रहती हूँ। इधर रोड तो वैसे तो बंगाल की रोड काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। प्लस अररिया वाली जो रूट है वो भी काफ़ी डेवलप हो गई, और एट लेंस ना, सिक्स लेन वहाँ पे बन रही है। अभी लास्ट टाइम हम लोग आए थे ना, तो देखी थी बहुत अच्छा। उधर देखिए वो सब पावर प्लांट्स, इधर आपको इतने ग्रीनरीज देखेंगे कि आपको मन खुश हो जाएगा, आपका मन ऐसा होगा ना कि अच्छा अच्छा लगेगा। होता है क्या ना लाइफ में कि इतनी भागा दौड़ी की लाइफ में, इतनी बिजी लाइफ में हम इस तरीके से चीज़ें को इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मेरा कहना है कि अगर आपके पास टाइम रहता है, क्योंकि आज के डेट में भगवान की ऐसे किसी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको घूमना भी चाहिए। इससे क्या है, ये आपको इतना सुंदर सुंदर, हमारे इंडिया में इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे जगह हैं, सब का विजिट तो करना ही। जो जितनी पॉसिबल होती है बस उतनी ही शेयर कर पाती हूँ, इसके अलावा तो शेयर हर चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से आप लोग इस साइड ज़रूर आएँ, और जो भी इस तरीके से टूरिस्ट प्लेस है या जो भी कह सकते हैं कि माउंटेन प्लेस है या इस तरीके से, ज़रूर जाएँ, बहुत मज़ा आएगा बहुत।
क्या आ गया? जंगन 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 हाँ जंगन दादा का जंगन आ गया। जंगन साधक जंगल को जंगन कहता है, ल को न कहता है। इस जंगन में क्या होता है? जंगल होती है कि जंगल है। अच्छा जंगल है कि जंगन है? हाथी फैंट है, लायन है, टाइगर है। टाइगर चा, टाइगर चा। टाइगर देखो गाइस मेरी उंगली और आपको वाइट वाला। तुम 6 महीने के बच्चे हो क्या? नहीं नहीं स्लाइड करके नहीं गिर जाओगे। इधर आ। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने और अभी हम लोग खाएंगे आलू पराठा या पनीर पराठा, इस तरीके से कुछ भी। सातक काम फर्स्ट का वेट कर रहे हैं, तब तक मैं सोची कि मेरे हेयर स्टाइल मैं बना लेती हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा। और सार्थक बहुत गंदा बच्चा हो गया है, मारेगी मम्मी, मैं नहीं बचा पाऊंगा तुमको। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये सब वर्ड सीख रहा है। किससे सीख रहा होता? हाँ बता दो बेटी, दिख रहा नहीं? अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है पालक, सॉरी पनीर पराठा, पनीर पराठा एंड आलू पराठा पराठे आ गए। चलो खा भैया, हरी मिर्च दे देना, हरी मिर्च और प्याज, कच्चा प्याज। टोमेटो चॉप भाई, हम बिहारियों को तो हरी मिर्च और कच्चा प्याज चाहिए ही चाहिए पराठे के साथ, या तो दही ताजा है कि नहीं। तो अब मैं मजे से करती हूँ ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने वाले। जल्दी खाओ पराठे खाओ, देख लीजिए ये बिल्कुल खाना नहीं चाहता है और आई थिंक सभी बच्चों को यही है। ये पिज्जा है, इसके अंदर चीज है। यहाँ सो रही हूँ मैं और पटना हो गया ना। हाँ और मेरे पति तो इतना फास्ट चलाए कि 1:30 बजे हम लोग दरभंगा पहुँच भी जाए। यहाँ से कितना 2-3 घंटा और यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 2-3 घंटा लगेगा। 3-4 बजे तक होपफुली हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं 1 घंटे, थोड़ा मस्ती करेंगे, लंच वंच करेंगे, है ना सर? अच्छा आपको सब पता है, और क्या पता है? कुछ नहीं। तो गाइस हम लोग रुके हैं एक ढाबे में खाना खाने और मैं टेरे में ले लिया पहले। सार्थक ने टेरे में लिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा हम लोग फ्रेश हुए हैं, फेस वॉश हो चुके हैं। मेरे पति के टायर्ड हो गए क्या? टायर्ड हो गए और इतने इतना मतलब बहुत अच्छा लग रहा हम लोग इतने जल्दी दरभंगा पहुँच गए। अभी दोपहर के बज रहे हैं, 1:30 या 2 बज रहा है अभी, तो 2 बज रहा है। 2 बज रहा है तो हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया है। ये कुछ ऐसा देख नहीं रहा था बट ये ढाबा थोड़ी अच्छी लग रही थी, अभी देखती हूँ खा के यहाँ का खाना कैसा है। ये जगह वैसे कौन सी है? जगह वही है दरभंगा के आसपास है। तो गाइज ये बहुत सिंपल ढाबा है बट इस तरीके के ढाबा में ना खाना बहुत अच्छी मिलती है, इस वजह से यहाँ पे कुछ और था नहीं तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है इसमें बैठते हैं। तो उधर सार्थक का ये क्लीन वगैरह कर रखी बिकॉज वो सुबह में नहाया नहीं था ना ठंड की वजह से। तो
लाइए उसका कपड़ा भी चेंज कर दूँ, गाड़ी में से लेके आ जाइए उसका जीन्स वगैरह। आओ सार्थक में चेंज करो। वो टी शर्ट एक निकाल के रखे तो नहीं, उसमें ही था सोफा। ड्रेस भी चेंज हो गई और हमारा आ गया चिकन चावल और खाएंगे सार्थक के लिए आलू की भुजिया। चलो बेटा याद रहेगा ना, जल्दी सार्थक हीलो लग रहा है ना, हीलो है ना बेटा। चलो आप बेटा कुछ खाओ। आप सब भी देखो एक गाइस एक चीज कितना अच्छा आजकल बसों के पीछे लिखी हुई है, दहेज मांग कर बाल विवाह कर ना करे लड़की का अपमान। बाल विवाह अपराध है और दहेज को दहेज भी नहीं देना चाहिए, तो लड़कियों को इज्जत दें और आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं। शाम हो गई है 6:30 और हम लोगों को भूख लग गई थी सार्थक को स्पेशली। क्या खाओगे? स्प्राइट के लिए रो रहा है क्योंकि मैं नहीं लेने वाली हूँ और मेरे पति के मेरे पतिदेव मेरे रोबोट है। इनसे ही जिद करता है क्योंकि इसको ही पता है कि मैं लूंगी नहीं, तो यहाँ पे चाय पी रहे हैं थोड़ा स्नैक्स खा रहे हैं या फिर अभी 1.5 घंटे के रास्ते से डिस्टेंस में हूँ तो इधर प्यार मोहब्बत चल रहा है। बहुत क्यूट है, कोल्ड ड्रिंक के लिए रो रहे हो? क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए? सुनो ना, तुम लोग पैसा ले लो, जितना जितना खरीद देना पैसे ले लो, अभी प्रभु को मैं पैसा देता हूँ। मुझे नहीं मिलता है। वाह 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 वाह, लो जा ले, तुम लो, मैं नहीं जाऊँगा। इसको 20 रुपये हाँ ले जाइए गाइस। देखो इधर दोनों, तो ये जो मेरे रोबोट पतिदेव हैं ये बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं। क्या बोल रही है, रोबोट है मैं? मम्मा गलत बात बोल रही है, इसलिए ना गलत बात क्या है? सच चाय ले तो बेटा चाय ले। अब ये लीजिए टिश्यू पेपर। तो मैं तो दिलाने गया था, वो तो मना कर दिया, ये भी मना कर दी, इशारा यही कर रही है नहीं देने के लिए, यही इशारा की है उनको, ये मना कर दी मत दीजिएगा, वो बोल दिए कि नहीं दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरा दुकान नहीं है ना, जब मैं दुकान खोलूँगा ना तो मैं देर उसको दे दूँगा, देर चला मैं तो देर चला। ये जो लव है ये बहुत ही एक्सेप्शन और अनकंडीशनल लव है। थैंक यू भैया। तो मेरा आ गया गर्मा गर्म सूप। पूरी दुनिया एक तरफ आ रही है और इनका बेटा एक तरफ। ये बोल रही है ना कि उनको रख ले कि ये नहीं खिला के बिना गुरी नहीं जाने देगी मेरे घर। हां बोल रही है पकवान तो पर तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो दादी दिल्ली चली गई है, क्या प्लान किया जाए? स्कूल कैसे ना, मतलब उधर चली जाती है स्कूल, उसको प्लान करना पड़ेगा, सेक्रेट प्लान बना। हाँ वो सेक्रेट प्लान बनाएंगे हम लोग उसके साथ, क्या किया जाए इसका? हाँ तुम जाओ जाओ, हम लोग सेक्रेट प्लान बना रहे हैं। मैं भी सुन रही हूँ, क्या सीक्रेट हो रहा है? अच्छा मेरे खिलाफ प्लाने लौटे। खाना खा के बहुत मज़ा आ गया, बहुत अच्छी टेस्ट थी और हम लोग घर के लिए भी पैक कर रहे हैं, मैं अपनी मेहनत के लिए भी पैक।
पैक करवाई हूँ और अपने भगने के लिए, तो वो लोग भी निकल नहीं पाते इस वजह से। तो अभी आ रहे हम लोग को खाना लेके साथ है, पहले से अंदर बैठ गया। कुछ नहीं, बस वो थोड़ा बहुत सामान है। किटू खुश हो गया? किटू